कांग्रेस नेता गौरव पांधी के देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर की गई विवादित टिप्पणी ने राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। बीजेपी इस पर हमलावर हो गई है और राहुल गांधी पर करारा पलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने गौरव पांधी के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को यह बताना होगा कि एक तरफ वह नाटक कर श्रद्धांजलि देने सदैव अटल पर जाते हैं और दूसरी तरफ आपके नेता अपशब्दों का उपयोग करते हैं। यह दिखाता है कि आपके अंदर कितना जहर फैला हुआ है। वहीं भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अटल बिहारी वाजपेयी पर विवादित बयान को लेकर कांग्रेस पर हमला किया है। अभी अभी पता चला है कि गौरव पांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी पर किए हुए ट्वीट डिलीट किए हैं। केवल ट्वीट डिलीट करने से ये बात समाप्त नहीं होगी। यदि कांग्रेस पार्टी सच में वाजपेयी जी का सम्मान करती है, जैसे कि राहुल गांधी ने आज दिखावा किया है समाधि पर जाकर, तो कांग्रेस पार्टी को कार्रवाई सुनिश्चित करानी होगी और स्पष्ट तरीके से अपनी भूमिका रखनी होगी कि हम माफी मांगते हैं और गौरव पांधी के जो विचार है वो कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। अन्यथा ऐसा समझा जाएगा और लाजमी है समझना कि शब्द पांधी के सोच राहुल गांधी की, क्योंकि ये संयोग नहीं है, ये पुराना प्रयोग और उद्योग बन चुका है। सावरकर जी का अपमान, अंबेडकर जी का अपमान, पटेल साहब का अपमान और अब अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान, जो भी परिवार से नहीं होता है उनके अपमान में उनके लिए आपत्तिजनक शब्द और टिप्पणी करना, ये कांग्रेस के प्रथम परिवार का चरित्र बन चुका है। अभी अभी हमने देखा पवन खेड़ा ने भी मोहम्मद अली जिन्ना के प्रति अपने बहुत सारे विचार व्यक्त किए हैं। एक तरफ जिन्ना से प्यार और सावरकर, अंबेडकर, पटेल साहब, वाजपेयी जी, इनसे इनकार, इनसे तकरार, भारत के जो आदर्श है उनसे इतना वार, तो ये दिखाता है कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा। कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और गौरव पांधी को बर्खास्त करना चाहिए। मालूम हो कांग्रेस नेता गौरव पांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर विवादित ट्वीट किया और लिखा था, 1942 में आरएसएस के अन्य सदस्यों की तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। पांधी ने आगे लिखा, वाजपेयी ने ब्रिटिश मुखबिर के रूप में उन लोगों के खिलाफ रिपोर्टिंग की जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया था। पांधी ने वाजपेयी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आगे लिखा, नेली नरसंहार हो या बाबरी विध्वंस, उन्होंने भीड़ को उकसाने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि विवाद बढ़ते ही उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया में उनका ट्वीट वायरल हो गया और बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथ लिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।